जैसे आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है, प्रिया इज मेकिंग द टी। अगर इस सेंटेंस में देखें तो प्रिया हमारा सब्जेक्ट है, मेकिंग इस मेकिंग ये हमारा वर्ब, यही एक्शन है मेक बनाना, इस मेकिंग बना रहे, क्या बना रही है, जो आपको पता है क्या टी, तो ये टी क्या होगा हमारा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा। तीस सेंटेंस में हम देख रहे हैं इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस मेकिंग यही एक्शन कर रहा है, इससे हम क्या सवाल सोचेंगे, वर्ड वर्ड इज प्रिया मेकिंग, तो जवाब क्या निकल रहा है द टी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आई, हम जानते हैं कि इसका आई का फुल फॉर्म होता है आई विल, इसे क्या पढ़ा जाता है, आई पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म देखेंगे हो जाएगा आई विल। तो आई बाई द प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट का मतलब तोहफा, प्रेजेंट का मतलब तोहफा, आई बाई द प्रेजेंट, प्रेजेंट की मीनिंग होती है उपस्थिति, अटेंडेंस को भी कहते हैं प्रेजेंट, मौजूदगी। तो कह रहा है आई बाई, मैं खरीद कर लाऊंगा, प्रेजेंट मैं तोहफे को खरीद कर लाऊंगा। तो यहाँ पर देखो बाई जो है ये हमारा एक्शन है, बाई मतलब खरीदना, तो खरीदना क्या हुआ, एक एक्शन हुआ, तो इससे हम सवाल पूछेंगे एक्शन से, व्हाट बाय, क्या बाय, व्हाट आई विल बाय, क्या मैं खरीदूंगा, तो जॉब निकल कर आएगा द प्रेजेंट, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, इस सेंटेंस में लिखा हुआ है सी इज स्लीपिंग ऑन द सोफा। अगर इस सेंटेंस में देखो तो सी कौन है, सब्जेक्ट है जो एक्शन को कर रही है, कैसा एक्शन कर रही है, स्लीपिंग सो रही है, तो इससे सवाल पूछेंगे व्हाट सी इज स्लीपिंग, क्या सी, तो कोई जवाब नहीं कर रहा है कोई भी जवाब, तो सवाल हमसे पूछे व्हाट सी इज स्लीपिंग, क्या सी स्लीप कर रही है, कोई भी जवाब निकल कर नहीं आता, यानी इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ये याद रखिएगा कि कुछ सेंटेंस है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ एक्शन आते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई भी एक्शन कोई, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगे हुए होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ कभी कभी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हटे होते हैं, यानी लगे नहीं होते। जैसे इन दोनों सेंटेंस में हम देख रहे थे, इन दोनों सेंटेंस में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, लगा हुआ था, दोनों वर्ब के साथ एक्शन आया हुआ है, लेकिन इसमें इस एक्शन के साथ कोई भी वर्ब नहीं आ हुआ है, ये याद रखिएगा, ऑन का तोहफा ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है डू नॉट क्राई, अगर इसमें देखें क्राई का ये हमारा एक्शन है, क्राई मतलब चिल्लाना या रोना, टू एक हेल्पिंग वर्ब है, ये भी वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब क्या है क्राई, क्राई अगर पूछेंगे व्हाट क्राई, क्या रो रही, क्या क्राई, तो जवाब कुछ भी नहीं निकल कर आता है, यानी इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं, इसका इस एक्शन का भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं। इसी तरीके से थर्ड की तरफ पढ़ते हैं, लिखा हुआ है व्हेन डिड यू अराइव, व्हेन डिड यू अराइव, अगर इस तरीके से अराइव मतलब पहुंचना, ये भी एक एक्शन है, एक यानी वर्ब है, दो तरीके से पढ़ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ड और ये मेन वर्ड, मेन वर्ड से सवाल करते वर्ड फिट आ रहा है, क्या आ रहा है, तो जवाब कुछ निकल कर आया क्या पहुंचा, यानी इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ। तो याद रखिएगा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगा होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं लगा होता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। और किस तरीके से ऑब्जेक्ट को पता करते हैं ये तरीका अगर आपको पता होगा तो कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। तो सवाल आगे होगा उसे हम ड्रॉप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो कुछ सेंटेंस हम लिखने जा रहे हैं, जो सेंटेंस लिखने जा रहे हैं उसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे, कितने ऑब्जेक्ट होंगे, दो ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे सोनू गिव मैन सम मनी, लिखा हुआ है सोनू गिव
मैं सम्मानी, सबसे पहले सी हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है। गिव मतलब दिया, दिया देना एक क्या है, एक एक्शन है, यही हमारा वर्ब है। इससे सवाल पूछते हैं व्हाट शी गिव, तो जवाब निकल आएगा क्या दिया, सब मनी, कुछ पैसे, तो कुछ पैसे ये हमारा क्या होगा, यही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब यहाँ पर देखो एक और वर्ड आएगा है मैन, यानी अगर ऑब्जेक्ट से हम पूछेंगे तू हूँ, इसे क्या पूछेंगे, तू हूँ, तू हूँ मतलब किसे, तो जवाब निकल कर आएगा मैन, इसको मैन को। पूरा सेंटेंस था दोस्तों, ने मैम को कुछ पैसे दिए, दोनों ने मैम को कुछ पैसे दिए, तो समझ में आया ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जब दो ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या किसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, किसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो पहले आया हुआ है जैसे वर्ड जो जवाब निकल आएगा सम मनी, ये हमारा कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से मैं ये क्या कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आई बात समझ, अब वर्ब से जब सवाल पूछेंगे या एक्शन से सवाल पूछेंगे क्या एक्शन हुआ है, तो जहां पर जवाब निकल कर आएगा वही हमारा क्या होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जब इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सवाल पूछेंगे टू हूम तो जवाब निकल कर आएगा वो हमारा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज, हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है जब इस तरीके से सेंटेंस लिखा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है, या इसी सेंटेंस को लिखने का एक और अंदाज है। कैसे लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है सोनू गिव सम मनी, सम मनी, देखो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया गया है। अब जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए पहले टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पहले टू लगाएंगे, यही फर्क, टू लगाकर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यानी सी गिव सम मनी टू मैन, इसका भी वही होगा सोनू ने मैन को कुछ पैसे दिए, तो ये सम मनी क्या है हमारा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है, क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये मैन क्या है हमारा, ये मैन क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर दोनों सेंटेंस को देखा जाए तो हमारे दोनों सेंटेंस करेक्ट है, दोनों सेंटेंस सही है। आई बात हमने, तो आप फर्क पता कर लेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पहले इनडायरेक्ट है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट है, जब दोनों फर्क करना पड़ेगा कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है, तो याद रखिएगा हम गिव से सवाल पूछेंगे व्हाट गिव क्या दिया, जवाब निकल आ रहा है सम मनी, जहां पर जवाब निकल कर आया तो वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, यानी हम सीधा एक्शन से यानी वर्ब से सवाल कर देंगे, वर्ड जो निकल कर आएगा वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। उम्मीद आपको समझ में बात आ गई होगी। अब कुछ सेंटेंस को हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन सेंटेंस पहला है, पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है प्रिया इज शोइंग श्वेता हर फोटोग्राफ, आप लोग पेज नंबर 12 देखिए, पेज नंबर 12 पर लिखा हुआ है पहला सेंटेंस प्रिया इज शोइंग श्वेता हर फोटोग्राफ, देखो इसमें लिखा हुआ प्रिया एक सब्जेक्ट है, शोइंग शो मतलब दिखाना, तो दिखाना क्या हुआ एक एक्शन हुआ, इसको दिखा रही है श्वेता को, तो श्वेता इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ हर फोटोग्राफ। इसी तरीके से टोटल 12 क्वेश्चन दिए हुए, इन्हें आप सही से देखेंगे। जैसे अगला सेंटेंस है ही गेव मैरी चॉकलेट, इसमें सब्जेक्ट ही है, वर्ब क्या है गेव है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है मैरी, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है चॉकलेट। आई बात समझ में, इसी तरीके से हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेंटेंस 8 की तरफ, 8 में देखो क्या लिखा हुआ है आई हैव ब्रॉट यू सम फ्लावर, इसकी मीनिंग होगी मैं तुम्हारे लिए कुछ फूल लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ फूल लेकर आया हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है आई है, क्या एक्शन किया है ब्रॉट लाने का, लाने का है ब्रॉट मतलब लाया, यू तुम्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या लाया हूँ सम फ्लावर्स कुछ फूल। आई बात समझ में, इस तरीके से आप इसे पढ़ लेते हैं। पूरा सेंटेंस 12 सेंटेंस तक पढ़ लेंगे, सेंटेंस को पढ़कर समझ लेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
क्या है, उसके बाद हम एक्सरसाइज को अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज कैसे, एक्सरसाइज में सबसे पहले एक्सरसाइज जो इसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बेसिस पर है, इसमें जो दिया हुआ है ये वाला सेंटेंस दिया हुआ है, ये वाला सेंटेंस दिया हुआ है, इसको चेंज करना है किसमें, इसमें एक्सरसाइज ए में ये वाले सेंटेंस को चेंज करना है, जबकि दोनों की मीनिंग क्या है सेम है। तो आप लोग ये एक्सरसाइज को करेंगे, देखते हैं कितने लोगों को आता है, हम पर जवाब बताएंगे, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। तो सब लोग इसे खत्म लेकर तैयार रहें, तब क्लास की क्लास से खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।